नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो स्वागत है सबका द्वारा मेरे यूट्यूब चैनल लैक्टोबी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10,000 के बजट में जो टॉप 3 मोबाइल है उसके बारे में। तो मैंने ये जो जितने भी मोबाइल टॉप 3 मोबाइल मैं आपके सामने लेके आया हूँ 10,000 के बजट में, मैंने इसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर ध्यान दिया, बैटरी के ऊपर ध्यान दिया और प्रोसेसर के ऊपर भी ध्यान दिया है। क्योंकि अगर तो मोबाइल में डिस्प्ले या बैटरी इतनी अच्छी नहीं है तो मोबाइल में जो गेम खेलने का या फिर वीडियो देखने का जो थोड़ा मजा होता है वो कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा मैंने जो इंपॉर्टेंस दिया इसको दिया, उसके बाद मैंने क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दिया है। तो ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके उसके सामने आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे सामने मोबाइल थे, दूसरी कंपनियों के भी हो सकता है इस प्राइस में आपको मोबाइल मिल जाए, लेकिन मैंने वो जो आपको चीज़ें बताई हैं मैंने प्रोसेसर की और कैमरा की और मोस्टली जो डिस्प्ले है और उसकी बैटरी है उसकी ओर मैंने ध्यान दे के आपके सामने जो 3 बजट मोबाइल है 10,000 के अंडर वो लेके आया हूँ। तो चलो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 3 की बात करते हैं तो वो है रियलमी का C15। तो रियलमी की C15 की बात करते हैं तो जहाँ पे जो आपको स्टोरेज मिलेंगी वो 64 GB स्टोरेज मिलेंगी, साथ में आपको 4 GB रैम देखने को मिल जाएगा। अगर डिस्प्ले की बात करें तो जहाँ पे आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। पीछे वाले कैमरा की बात करें तो जहाँ पे आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि आपको 13.8 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रंट में आपको 8 MP का जो कैमरा वो देखने को मिल जाएगा। तो साथ में जहाँ पे बैटरी की बात करें तो ये आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। तो प्रोसेसर की जहां पे बात करते हैं तो जहां पे आपको मीडियाटेक का जो हीलियो G35 है वो प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नंबर 2 की बात करते हैं तो भाई वो फिर से रियलमी का आ रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको बताता हूं कि भाई जहां पे बजट फोन की बात होती है तो रियलमी वहां पे आएगा ही आएगा। तो नंबर 2 पे जो कौन सा फोन है मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पे नंबर 2 पे है रियलमी का Narzo 10a। तो इसकी सबसे पहले अगर स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 64 GB जो स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, साथ में 4 GB का रैम आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले की बात करें तो जहां पे आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। पीछे वाली साइड में आपको इसमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि 12 MP का एक होगा, 2 2 MP के दो और कैमरा हो गए। तो फ्रंट वाली साइड में आपको 5 MP का जो कैमरा वो देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद बैटरी की बात करें तो जहां पे आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की जहां पे बात करते हैं तो जहां पे आपको मीडियाटेक का हीलियो G7 इंच जो प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए नंबर 1 पे। नंबर 1 पे कौन सा मोबाइल होगा आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे जब भी मेरे को कॉल करके पूछते हैं भाई हमारा बजट 10,000 है, कोई ऐसा मोबाइल बताओ जो कि 10,000 में काफ़ी सही हो। तो मैं सीधा ये वाले मोबाइल का नाम लेता हूं। तो सबसे पहले जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए मैं भी आपको बता देता हूं। तो ये है Redmi 9 Prime। तो सबसे पहले इसकी स्टोरेज की बात करें तो जहां पे आपको 64 GB स्टोरेज है वो देखने को मिल जाएगा, साथ में 4 GB रैम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले की बात करें तो जहां पे आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कैमरा की बात करें तो पीछे वाली साइड आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि 13, 8 और 5 और 2 MP का कैमरा होगा। उसके बाद फ्रंट वाली साइड में आपको सेल्फी लेने के तो जहां पे आपको 8 MP का जो कैमरा वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बैटरी की तो भाई 5020 mAh का जो बैटरी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। काफी बड़ा भाई बैटरी है, इस बैटरी से आप काफी एक दिन में बहुत ज्यादा गेम भी खेल सकते हैं आराम से, जहां फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, जहां फिर आपको वीडियो गेम खेलने का, जहां फिर आपको कोई वीडियो मूवी देखने का या कुछ भी ऐसा करने का तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इसके प्रोसेसर की तो भाई जहां पे आपको का G80 प्रोसेसर अब वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको PUBG खेलने का ना भाई आराम से लो ग्राफिंग में आराम से स्मूथ में आप खेल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे आपको कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करने का उसके लिए भी काफ़ी अच्छा कैमरा इन्होंने दिया हुआ है 13 MP का। फ्रंट वाली साइड में आपको 8 MP का कैमरा देखने को मिल रहा है, जानकि ओवरऑल हम बात करें तो काफ़ी सही है मोबाइल, आप आराम से इसको परचेज कर सकते हैं 10,000 में, काफ़ी सही है मोबाइल है। तो जहाँ पे जे वाले थे जो मैंने 3 बजट मोबाइल आपको बताए 10,000 के अंडर में, मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सर्च करके उसके बाद मैं ये जो 3 मोबाइल लेके आया हूँ मैंने बहुत ज़्यादा इसके प्रोसेसर के ऊपर, बैटरी के ऊपर, जहाँ पे डिस्प्ले की बात करें, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने ध्यान देकर उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जो दोस्त मैं नया जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।